विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस भाई दूज। आप सभी लोगों को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मेरा त्यौहार बहुत ही कलरफुल रहा है, आपका भी ये फेस्टिवल बहुत कलरफुल रहा होगा। सो टुडे गाइज वी आर लीविंग फॉर चित्रकूट एंड दिस जर्नी विल बी समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है। सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल बी इनसाइड द कार। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी कनेक्टेड, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होने वाला है। चित्रकूट से जुड़ी हुई हर एक जगह हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे, और बस चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको फटाक से गाड़ी के अंदर। तो भैया जोर से बोलो बाबा कामतानाथ महाराज की जय। एक बार और बाबा कामतानाथ महाराज की जय। इससे पहले भी जब मैं छोटा था हम लोग चित्रकूट गए थे, तो हमारे एक फ्रेंड थे पप्पू अंकल, है ना बाबा, उन्होंने ट्रक खरीदा था। तो हम लोग जो है गाइज हम लोग ट्रक में बैठे गए थे चित्रकूट, और वो हमारी चित्रकूट की पहली यात्रा थी। मैं बहुत छोटा था और मैंने लाइफ में पहली बार हाथी को नदी में नहाते हुए देखा था चित्रकूट में। कौन सी जगह थी, स्फटिक शिला, स्फटिक शिला के पास जो है हमने उस हाथी को पानी में नहाते हुए देखा था। इस ट्रक को देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ट्रक झाड़ियों में घुसा है या घुसे घुसे इसमें झाड़ियाँ निकल आई हैं। तो गाइज हम लोग कानपुर से बाहर आ चुके हैं। पापा कहाँ पहुँच गए हम लोग, फतेहपुर। तो ये हम लोग तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो चुके हैं कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हुए। मैं सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक का मेन पर्पज़ था हमारे पापा जो है पीछे हरियाली बढ़ा रहे हैं। हालांकि मैंने भी हरियाली बढ़ा ली, वो आप देख नहीं पाए। तो यार यही सोच रहा था, थोड़ा सा कमर सीधी करिए। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 100 कुछ किलोमीटर, मतलब यहाँ से अभी 120 या 119 किलोमीटर अभी दिखा रहा है यहाँ से चित्रकूट का डिस्टेंस। और फिलहाल अभी हम लोगों ने ललौली क्रॉस किया है, और यहाँ से जो है हमें पड़ेगा बांदा। तो अच्छा है, रोड वाइज काफ़ी अच्छा है और ठीक है, मतलब सिंगल रोड है। आप ये देखो मेरे बैक साइड में ये सिंगल रोड है, लेकिन रोड कंडीशन काफ़ी बेटर है, तो आप लोग इजीली जो है जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये लौंडे का कुर्ता देखिए आप हमारे, वाह। तो से हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, से हेलो। कोई थकान, कोई प्रॉब्लम अभी तक? अभी कुछ भी नहीं, अभी जाने का एक्साइटमेंट है ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो गाइज अभी तक हम बांदा क्रॉस कर चुके हैं, काफी ढूंढने की कोशिश करी पर बांदा में हमें एक भी ढाबा या एक भी रेस्टोरेंट खुला नहीं मिला। बट नेवरदलेस हमारे को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था खुद लेके चल रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा कूल गेज हमारे साथ है, और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारी मैडम को, है ना मैडम, थैंक यू। क्लोज कर दें लो जी। तो भैया सारी व्यवस्था जो है हम लोग अपनी करके चले हैं, और जैसा कि अभी लास्ट व्लॉग में मैंने करेले की बात आपके साथ शेयर करी थी, तो मैडम आज करेले बना के लेके आई हैं। हम एंजॉय करेंगे पराठा विद स्टफ्ड करेला, है ना। थोड़ा पानी मेरे को भी दे दो, फिलहाल तो पानी पीते हैं। वाटर होता है, सॉरी पानी नहीं होता, वाटर होता है, वाटर होता है ना। ओके ये देखिए चाय, वाओ दे दो इधर ही रहो। और क्या मेन्यू में अभी तो बहुत सारा है, क्या क्या दिखाए हैं, मट्टी है, गुजिया है, बर्फी है, चाय है, मट्टी है, गुजिया है, बर्फी है, ऑलमोस्ट
और क्या है? लो भाई मसाला काजू भी है, मतलब इतनी प्लानिंग है कि अगर चित्रकूट में हमको खाना ना भी मिला ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाने का भर भर के स्टॉक है हमारे पास, भर भर के। तो लीजिए भैया जी, हमारी हो चुकी है पेट पूजा, अब बस फटाफट चलते हैं यहाँ से और चित्रकूट पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस राइट नाउ वी आर इन अतर्रा, ये पापा चित्रकूट से पहले का गांव है। हाँ, बस उसके बाद चित्रकूट ही है। तो भैया अतर्रा के बाद शुरू हो जाएगा जिला चित्रकूट, तो बस चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं आपको चित्रकूट दिखाते हैं। तो भैया कुछ समय हम चित्रकूट जिले के अंदर पहले हम कोशिश करेंगे कि हम रामघाट जाएं, यहाँ से जाने के बाद चित्रकूट के जिले में एंटर हो चुके हैं, पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई है, फील आने लगा है कि चित्रकूट में। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज हो गया था, पहले हम प्लान कर रहे थे कि हम डायरेक्ट रामघाट जाएंगे, लेकिन अभी हमने सोचा कि धूप बहुत ज्यादा है तो पहले हनुमान धारा चलते हैं, वहां पे दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने होटल में चेक इन करेंगे, फिर इवनिंग में निकलेंगे रामघाट के लिए। तो माता जी कैसे जाओगी आप, उड़न कटोले में बैठ के जाओगी या सीढ़ी से जाओगी? चलो सीढ़ी चलो, उस बात तो सीढ़ी चलेंगे। अच्छा, समय बचा है, उड़न खटोले से चलते हैं। सिर्फ डॉगल से कैसे पहचानेंगे इसको है? आपने भी तो मास्क लगाओगे? अरे तो हम तो मास्क लगाएंगे, बट उसके बाद इनकी टी-शर्ट से पहचानना। ये क्या भैया? अच्छा, क्या चार्ज है इसके? 30 रुपए। ये अभी दें या बाद में दें? अभी दें। जय हो बाबा बजरंग बली की। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान धारा के नीचे पहाड़ पे, सॉरी पहाड़ के नीचे। और पहले जब मैं बहुत छोटा था तब आया था, तब यहाँ पे क्या कहते हैं ये गोंडोला नहीं चलता था, अब यहाँ पे गोंडोला चलता है। ये देखिए मेरे बैक साइड में एक गोंडोला का पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे और चलिए चलते हैं गोंडोला की पर्ची लेते हैं। तो गाइज वैसे तो भगवान के दर पे आने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, बट चित्रकूट के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना बारिश के मौसम में आइए, क्योंकि अभी ये मार्च एंड है और इतना ज़्यादा गर्म है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप चित्रकूट आइए तो आप बारिश के मौसम में ही प्लान करिए। अभी पीछे सुनने में आ रहा है कि हवा का बहाव जो है, एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज है, इस वजह से इन्होंने गोंडोला राइड को अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड पर रखा हुआ है। वेट करते हैं कि गोंडोला राइड शुरू हो, फिर आपको ऊपर लेके चलते हैं। टिकट का ऐसा है कि 130 रुपये पर हेड, ₹130 पर हेड एडल्ट का, और 83 रुपीज़ जो है वो है चाइल्ड का टिकट। तो ये यहाँ की टिकट डिटेल है। तो वेट करते हैं गोंडोला स्टार्ट हो तो फिर हम भी ऊपर चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो भैया फाइनली हमारा नंबर आ चुका है गोंडोला में बैठने का। बहू कितनी देर हमने वेट किया, हालत खराब हो गई। तो भैया कम से कम आधा 2 आवर्स, हाँ मतलब एक डेढ़ घंटा, डेढ़ दो घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारा गोंडोला में बैठने का नंबर आ गया। चलो भैया बैठो, दो लोग इधर बैठे हैं, दो लोग इधर बैठे हैं, सब लोग अपना अपना कोना पकड़ के बैठो। चलो भैया जय बजरंग बली की पापा। कोई हमारी माता जी को देखे जरा, क्या बात है, छा गए मम्मी आप, छा गए बिल्कुल, मजा आ गया। और तेरी हिल रहा है तो भैया गोंडोला हिल रहा है भाई, तू
गाइस हमें वहाँ पे ऊपर जाना है, उस जगह पे, वहाँ पे है वो हनुमान भगवान जी। इतना जबरदस्त एयर ब्लास्ट है यहाँ पे, विंड ब्लास्ट है कि मजा आ गया। ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है और ना ही इस वाटर की ओरिजिन का कोई पता है कहाँ से आ रहा है और ना ही इसका कोई एंड पता है कि ये क्या कहाँ रहा है। तो इसी को कहते हैं हनुमान धारा। मेन वाटर जो है ऊपर आ रहा है, जो अभी मैंने आपको मंदिर से दिखाया। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू, ऑसम किलर व्यू। और ये देखिए मेरे पीछे का इंसानों में ही नहीं जानवरों में भी अपने घर को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है। ये जो आप खिड़की पे देख रहे हैं ये ऊपर वाली फैमिली, और ये जो नीचे बैठी हुई है ये है नीचे वाली फैमिली। अब हो क्या रहा है, ये जो नीचे जो आप फैमिली देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, ये वाली फैमिली, ये और ये फैमिली आना चाहती है ऊपर। ये देखिए यहाँ पे खिड़की पे आना चाहते हैं, बट हो क्या रहा है ये लोग ना आने नहीं दे रहे ऊपर, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों में भी अपनी जगह को लेकर के कितना फाइट है। बाबा बजरंगबली अपना भी आशीर्वाद आपको दें और हमको भी अपना आशीर्वाद दें। और बस जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उन लोगों में ऐसे ही श्री राम के प्रति और हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था बनी रहे।